हाय गाइस, जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि यूट्यूब ने अपडेट दिया है 24% ऑफ योर यूएस इनकम यूट्यूब एडसेंस का माइनस करेगा यदि आप अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो यदि प्रोवाइड कराते हैं तो अप्रोक्स आपको 15% ऑफ टैक्स देना पड़ेगा जो आपने यूएस की व्यूअरशिप से अर्न किया है। उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करना है, टैक्स डिटेल प्रोवाइड करानी है, इस वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा हर एक स्टेप को। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी इसमें प्रोवाइड कराई गई है। सो आइए आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं। उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा ताकि ये अपडेट दूसरों को भी मिलते रहें। प्रेस कर लीजिए बेल आइकन ताकि नए अपडेट्स भी आपको मिलते रहें। आइए स्क्रीन पे ले चलते हैं और आपकी पूरी जानकारी प्रोवाइड करें। सबसे पहले हम अपना एडसन अकाउंट जब ओपन करते हैं तो हमारा इस तरह से नोटिफिकेशन बार ओपन होता है। सो आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें इफ़ एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड। नोटिफिकेशन ऑप्शन में भी जब क्लिक करते हैं तो ये आ रहा है सेम नोटिफिकेशन। अगर हम यहाँ से माइनस टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने एक पेज खुलेगा। यहाँ पे ऐड टैक्स का जो इन्फॉर्मेशन दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो दूसरा एक पेज खुलेगा। ये आपको वेरीफाई करने के लिए आपको लॉगिन करना होगा। इस तरह से आप भी लॉगिन कर लेंगे सो आपको नया ये पेज ओपन होगा। सो सबसे पहले आपको इसमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है, यूनाइटेड टैक्स इन्फॉर्मेशन। ये पूछ रहा है कि किस तरह का अकाउंट है, दो दिया है, एक इंडिविजुअल और एक नॉन इंडिविजुअल। तो मैंने ये आगे प्रोसेस किया। ऑफ कोर्स अगर आप इंडिया से नहीं है तो नो करेंगे, अगर है तो यस करेंगे। अब यहाँ पे दो ये फॉर्म दे रहा है कि किस तरह का फॉर्म फिल करेंगे। सर अगर आप यस करते तो दूसरा फॉर्म ओपन होता, लेकिन सेलेक्ट WA टैक्स फॉर्म टाइप बेस्ड ऑन यूट्यूब प्रीवियस सेलेक्टेड आंसर W8 फॉर्म इज नीडेड। सो अगर आप यस करते तो माइट भी दूसरा ओपन होता, लेकिन हमने नो किया मतलब कि हम इंडिविजुअल हैं और हम सिटीज़न नहीं हैं। इंडिविजुअल और नॉन यूएस के लिए है पहला फॉर्म, और दूसरा अगर पढ़ते हैं तो मतलब नॉन इंडिविजुअल के लिए था, तो हम वो नहीं करेंगे, हम इंडिविजुअली सेलेक्ट कर रहे हैं, पहला फॉर्म लेके आगे बढ़ेंगे। इस तरह से ये ओपन हो जाता है। नेम ऑफ इंडिविजुअल इसमें दिया हुआ है, ऑलरेडी फिल है, नहीं है तो आप भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। सिटीजनशिप में पहले यहाँ DBA ये ऑप्शनल है, नेम ऑफ जो है उसे भर सकते हैं, भरना चाहे ऑप्शनल दिया हुआ है, अगर इसे फिल करना चाहे कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग ये दे सकते हैं डूइंग बिजनेस एज DBA, नेम इज अ कंपनी नेम डिफरेंस। सो अगर जिसका बिजनेस है उस तरह से है, हमारा बिजनेस नहीं इंडिविजुअल है तो चलेंगे, ये ऑप्शनल है, आप फिल करते हैं तो भी सही, नहीं करते हैं कोई बात नहीं है। सिटीजनशिप जो फिल करना है तो फिर जो सिटीजनशिप हम फिल करेंगे, जहाँ के भी हैं फिल कर सकते हैं। आई एम फ्रॉम इंडिया सो इंडिया में इसमें सेलेक्ट करूँगा। एंड ये देखिए यहाँ पे ये दो चीज़ें समझना है, फॉरेन TIN और USITIN और SSN, ये दोनों ऑप्शनल है बट हमें ये प्रोवाइड कराना है। इसमें जो हम फॉरेन TIN के लिए TIN का जो फुल फॉर्म है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो मैंने पहले ही आपको बताया टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर हमारे इंडिया में पैन कार्ड चलता है। सो हम यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल फिल कर लेंगे फॉरेन TIN में। यहाँ पे हमने ये फिल कर लिया है, ये हमने जो फिल किया ये थोड़ा ये ब्लर करा है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। फिर हम आगे नेक्स्ट करते हैं तो हमें आता है ये पूरा परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस फिल करना है, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ये हमने ब्लर किया है। सो आई वुड रिक्वेस्ट अगर आप आगे प्रोसेस करें तो यहाँ पे अपना परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस भरना है, पोस्ट बॉक्स और इनके डिटेल पूरी यहाँ पर जो भी आपको फिल करना है डॉक्यूमेंट के साथ, डॉक्यूमेंटेशन होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे जो हमारा पहले का एड्रेस है, मेलिंग एड्रेस इज़ द सेम एज परमानेंट एड्रेस रेसिडेंस एड्रेस। सो सेम हमने कर दिया मेलिंग एड्रेस जो हमारा है। सो ये जो हमने ब्लर किया है सम ऑफ सिक्योरिटी पर्पस के लिए, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट करते हैं तो थर्ड में आता है हमें आर यू क्लेम और रिड्यूस रेट विदाउट होल्डिंग अंडर टैक्स स्टडी। सो इसमें दो चीज़ आपको फिल करना है, यहाँ कह रहा है नो, नो में दो चीज़ें होंगी आपका, US टैक्स लॉ में इम्पोज अ 30% विथ होल्डिंग टैक्स ऑन पेमेंट दैट आर कंसीडर US सोर्स इनकम, जो US से आता है 30%, द टैक्स में बी रिड्यूस्ड और इलिमिनेटेड फॉर एनी पे दैट क्वालिफाइज अंडर अ रिवेलेंट टैक्स स्टडी। सो यहाँ से हम यस करेंगे क्योंकि जो हम ये क्लेम कर रहे हैं इसके लिए आगे प्रोसेस कर रहे हैं, तो यस करेंगे तो कुछ चीज़ें और ओपन होंगी। तो सबसे पहले कंट्री का पूछेगा किस कंट्री में आप, हम इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, आप जिस भी कंट्री के अगर देख रहे हैं आउट ऑफ इंडिया कर सकते हैं। देन यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन कर रहा है कि कौन कौन सा यू में बी एग्जेम्प्ट एंड हैव टैक्सेस विथ हेल्ड एट अ रिड्यूस रेट।
सो बेसिकली ये पूछ रहा है कि आप कौन कौन से सर्विस लेते हैं। सो हम एडसेंस की सर्विस ले रहे हैं, अभी एडसेंस करेंगे। आर्टिकल एंड पैराग्राफ यहाँ पे पूछ रहा है, तो हम ये फिल करेंगे। विथहोल्ड 0% रखेंगे। फिर मोशन पिक्चर टीवी क्लिक करेंगे, इस पे जब हम करते हैं तो ये वन ही ऑप्शन आ रहा है, इसमें 15% करेंगे हम। सेकंड जब ऑप्शन क्लिक करते हैं, आगे कॉपीराइट का क्लेम करते हैं, कॉपीराइट वीडियोस डालते हैं दूसरे के एडिटिंग करके, सो यहाँ पे भी हम 15% रिड्यूस रेट क्लिक कर देंगे। फिर इसे हम आगे प्रोसेस करेंगे। सो बेसिकली देख लीजिए, फर्स्ट में आपको 0% रखना है, सेकेंड में 50% रखना है, एंड थर्ड में 15% रखना है। तो इस तरह से आपको दोनों के लिए आगे प्रोसेस करना है। पहले हम यस करेंगे, क्योंकि रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रेडी विद द यूएस, यूएस के थ्रू हम अपनी को क्लेम कर रहे हैं, अपने कंट्री सेलेक्ट किया एंड हमने अपना ये पूरे डिटेल प्रोवाइड किया, 0%, 15%, 15%। फिर हम आगे जब आगे प्रोसेस करते हैं, देखिए रुक गया क्योंकि यहाँ पे हमने ये चेकबॉक को क्लिक नहीं किया था रेसिडेंस के रिगार्डिंग, रेसिडेंस ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रेडी विद द यूएस, रेसिडेंस ऑफ कौन किस देश में आपका रेसिडेंस है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये दूसरा पेज हमारे सामने ओपन होता है, इस तरह ओपन हो गया एंड हमने ये फिल कर दिया है। जो भी हमने फॉर्म फिल किया है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, पूरी डिटेल जो फॉर्म हमने फिल किया है एक फॉर्म के रूप में यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले टैक्स इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करा दिया, परमानेंट एड्रेस वगैरह, फिर हमने कुछ सर्टिफिकेट वगैरह जो भी यहाँ पे प्रोवाइड कराना था कंट्री सर्टिफिकेशन के लिए कुछ प्रोवाइड करा दिया। अब यहाँ पे हमें कंफर्म करना है कि हमने जो भी प्रोवाइड किया है बिल्कुल सही प्रोवाइड किया है अपने नॉलेज में, सो ये हमने इसको क्लिक किया। फिर हम आगे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें फिल करनी होंगी, सो मैं अपना यहाँ पे नाम फिल करूँगा एंड यहाँ पे जो पूछ रहा है, आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन, यस। एंड फिर उसके बाद आगे हम जब प्रोसेस करेंगे, दो चीज़ें फिल करना है, एक तरह से एफिडेविट का है, सो हम जो हमें यहाँ करना है नो करना है, सो इसमें आपको क्लिक करना है। सो इसमें हमें ये बताना है कि क्या आप ये जो फिल कर रहे हैं, जैसे दो ऑप्शन, मतलब क्या आपने कभी भी एडसन जिसमें प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या इससे पहले आपने प्रोवाइड किया है डिटेल, पेमेंट क्या आपने लिया है कोई। अगर आपने कोई भी अभी तक पेमेंट नहीं लिया तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यदि आपका पेमेंट आता है या एक बार भी आ चुका है तो सेकेंड ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। हम इसे क्लिक करेंगे और क्लिक करके बेसिकली हम सबमिट कर देंगे। सो ये अब सबमिट हो चुका है, सबमिट होने के बाद बस आपका ये अप्रूव हो गया। देख पा रहे होंगे कि आपको ये मेल भी हमें मिल गया एंड यस हमारा अप्रूव हो चुका है, बस यही प्रोवाइड कराना है। इतना करने के बाद आपका जो 15% है सिर्फ वही आपको पे करना होगा, जो आप US के आपके व्यूअरशिप से अर्न करते हैं। सो गाइज, आपने देखा कि किस तरह से हमने स्टेप बाई स्टेप सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कराई है। सो इस तरह से आप अपने चैनल को भी बिल्कुल प्रोसेस करा के टैक्स डिटेल प्रोवाइड करा देंगे। तो इस तरह की वीडियोस आपको और भी मिलती रहेंगे हमारे चैनल पे। आई वुड रिक्वेस्ट अगेन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ऐसे अपडेट्स के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें।